आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी की हालात है। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2-3-4-5-6 महीने में कहीं घसीट घसीट के गाड़ी से बांध बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना, मैं तो कहता हूँ केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ, ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी दित्ती नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था, ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा, आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा, ये दित्ते भी पैर धुलवा लें, दित्ते भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। हम ये मामला उठाएंगे, उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है, ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच, सरकार भी तो वहां जा सकती है, और ये प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। ये बात साफ हो गई है कि आरोपी कौन है और ये कहां जहां जहां ये घटना हुई है आरोपी कौन है, इसमें कोई हमें देखने की आवश्यकता। सरकार पार्टी ने कुछ अलग से, इन्होंने यही समिति बनाएगी, यही कैमरा की नौटंकी करेगी और ये इनको तब क्लीन चिट दे देंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पर, आप ये हमारी पार्टी तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद सर।